हे गाइस, आज की इस वीडियो में हम प्लांट फिजियोलॉजी की पूरी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर फटाफट करेंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर से, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है विच मेटल आयन इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्लोरोफिल। तो जब हम क्लोरोफिल मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो उसके स्ट्रक्चर में दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है हेड, एक पार्ट होता है टेल। हेड पार्ट को हम बोलते हैं पोरफायरिन हेड। अब पोरफायरिन वर्ड का मतलब यहाँ पर क्या है, एक मेटल आयन जिसका नाम मैग्नीशियम है वो बिल्कुल सेंटर में होता है और उसके इस तरीके के चार हाथ होते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं पोरफायरिन हेड। एट द अदर एंड इसके पास होती है टेल जिसको हम बोलते हैं फाइटोल टेल। तो जो मेटल आयन प्रेजेंट है वो कौन सा है, मैग्नीशियम। सेकेंड क्वेश्चन है विच पिगमेंट एक्ट्स डायरेक्टली टू कन्वर्ट द लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। यार प्लांट्स के अंदर एक बहुत ही ज़रूरी ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। इसके कई फॉर्म्स होते हैं जैसे कि क्लोरोफिल ए बी सी डी एंड ई। इसमें से क्लोरोफिल ए को हम यूनिवर्सल पिगमेंट बोलते हैं। यूनिवर्सल पिगमेंट का मतलब यहाँ पर ये है, जितना भी ऑर्गेनिज्म इस धरती पे जितना भी ऑर्गेनिज्म है जो कि फोटोसिंथेसिस कर रहा है और O2 लिबरेट कर रहा है उन सब के अंदर क्लोरोफिल ए होगा, ये मस्ट है। तो यहाँ पर आंसर क्या है, क्लोरोफिल ए। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, विच रेंज ऑफ वेव लेंथ इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। अब यार प्लांट्स जो हैं वो सनलाइट यूटिलाइज करते हैं, तो सनलाइट की जो सोलर रेडिएशन है वो आप अगर प्लांट्स 400 से 700 नैनोमीटर वाली रेंज जो यूज़ करते हैं उसी को हम फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन बोलते हैं। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि लेस देन 50% ही फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन होता है और उसमें से भी प्लांट सिर्फ 2 से 10% जो होता है वो ही कैप्चर करते हैं। तो कहने का मतलब पॉइंट रिवाइज करो, सोलर रेडिएशन रेंज 400 टू 700 नैनोमीटर, लेस देन 50% ही पार है और उसमें से भी 2 से 10% ही प्लांट्स कैप्चर करते हैं ओवरऑल फोटोसिंथेसिस के लिए। तो आंसर है 400 से 700 नैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच लाइट रेंज इज लीस्ट इफेक्टिव इन फोटोसिंथेसिस। अब इसको समझो कि जो प्लांट्स यूटिलाइज कर पाते हैं वो है विजिबल रेंज, जिसकी रेंज क्या है 400 से 700 नैनोमीटर, जिसको आप क्या बोल रहे हो, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। इसके अंदर जो वाइट लाइट है उसको मैं स्प्लिट करूँ तो 7 कलर में स्प्लिट हो जाएगी, विबग्योर। आउट ऑफ दिस जो ब्लू है और रेड है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए, यानी कि ये मोस्ट इफेक्टिव है फोटोसिंथेसिस के लिए। एंड जो ग्रीन है वो लीस्ट इफेक्टिव है फोटोसिंथेसिस के लिए। अब ऐसा क्यों भाई, यार ग्रीन कलर की पत्तियों में क्लोरोफिल है और जब ये ग्रीन लाइट इस पर गिरती है ना तो ये एज इट इज़ रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, ड्यू टू विच इट इज़ लीस्ट इफेक्टिव। तो आंसर है ग्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम। अगर हम देखें तो ओवरऑल ऑटोट्रॉप्स दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं फोटो ऑटोट्रॉप, एक होते हैं कीमो ऑटोट्रॉप। फोटो ऑटोट्रॉप लाइट एनर्जी को सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करते हैं एंड कीमो ऑटोट्रॉप केमिकल एनर्जी को एज सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करते हैं। एंड ये केमिकल एनर्जी जो होती है वो बेसिकली इनऑर्गेनिक केमिकल्स होती है। तो आंसर है इनऑर्गेनिक केमिकल। नेक्स्ट आते हैं, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ATP सिंथेसिस इन PS2 कम्स फ्रॉम। अब देखो यार ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक बार हम फटाफट रिकॉल कर लेते हैं। मैं ये बना रही हूँ थायलाकॉइड की मेम्ब्रेन, इस मेम्ब्रेन के अंदर आपके पास प्रेजेंट होता है PS2 एंड PS1 इस तरीके से, एंड इसी मेम्ब्रेन में दूसरी साइड पे होता है ATP सिंथेटेज इस तरीके से। तो कुछ इस तरीके से हम ग्रेडियंट फॉर्म करते हैं। ये है थायलाकॉइड का ल्यूमन जिसके अंदर हम प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाते हैं हाई, और बाहर की साइड जो स्ट्रोमा होता है वहाँ पर H+ का कॉन्सेंट्रेशन कम है तो यहाँ पर ये लो, तो एक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बन गया। तो हमेशा ये हाई से लो की तरफ मूव करेगा, एंड जब ये हाई से लो की तरफ मूव करेगा इसी एनर्जी को यूटिलाइज करके अपन क्या फॉर्म करते हैं, ATP। तो अल्टीमेटली हम किसके ग्रेडियंट को यूज़ करते हैं, H+ यानी कि प्रोटॉन के ग्रेडियंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस द फॉलोइंग आर फॉर्म्ड। ये तो बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है। फोटोसिंथेसिस की दो फेजेस होती हैं, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन के अंदर दो इंपॉर्टेंट चीज़ें ATP एंड NADPH फॉर्म होता है, प्लस
क्योंकि यहाँ पे वाटर का ब्रेकडाउन होता है तो एच प्लस भी फॉर्म होता है एंड यहाँ पर एक वेस्ट प्रोडक्ट O2 निकलता है इस रिएक्शन के लिए। तो आंसर अपने पास क्या आ गया, ATP, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। चलिए नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं। डार्क रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड सो। अभी मैंने आपको बताया फोटोसिंथेसिस में कितनी पार्ट्स होते हैं, एक होता है लाइट रिएक्शन, एक होता है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, वेयर एज डार्क रिएक्शन में लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो ये लाइट इंडिपेंडेंट है, दैट इज़ वाई इसका नाम है डार्क रिएक्शन। सो द आंसर विल बी इट डज नॉट डिपेंड ऑन लाइट एनर्जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। PEP इज प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन। अब हमारे पास दो मेन प्लांट्स हैं, एक है C3 प्लांट्स, एक है हमारे पास C4 प्लांट। तो C4 प्लांट के अंदर दो साइकिल चलती हैं, एक C4 साइकिल चलती है और एक C3 साइकिल चलती है। वेयर आर C3 प्लांट्स में सिर्फ C3 साइकिल रन करती है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब नेक्स्ट, क्योंकि हमें PEP के बारे में पूछा गया है तो हम एक बार क्विकली C4 प्लांट्स की C4 साइकिल को देख लेते हैं। क्या होता है यार, एक तरीके से सबसे बाहर की तरफ है हमारे पास सेल, जिसको हम बोलते हैं मीजोफिल सेल, जो कि अटैच्ड होती हैं दूसरी टाइप की सेल से जिन्हें हम बोलते हैं बंडल शीथ सेल्स। अब स्टार्ट कैसे होगा मैकेनिज्म, CO2 को कैप्चर करता है एक बंदा जिसका नाम है PEP, तो ये है प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर। ये PEP इस CO2 को लेके कंपोनेंट फॉर्म करता है OAA, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सालो एसिटिक एसिड। इस ऑक्सालो एसिटिक की एसिड की पहले फॉर्म चेंज की जाती है, ये फॉर्म चेंज करके क्या फॉर्म करता है, मैलिक एसिड या फिर एस्पार्टिक एसिड। ये मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड CO2 को चुपचाप दबा कर चुपके चुपके से बंडल शीट सेल में पहुंच जाते हैं, यानी कि इसको हम क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट होने के बाद ये मैलिक एसिड बंडल शीट सेल में जैसे ही पहुंच जाता है, इसमें से CO2 निकाल दी जाती है, यानी कि इस स्टेप को हम क्या बोलेंगे, डीकार्बोक्साइलेशन, बोले तो CO2 को निकाल के फेंकना। जैसे ये CO2 निकलेगा, ये C3 साइकिल में एंटर कर जाएगा। तो C4 प्लांट्स के अंदर C3 साइकिल होती है बंडल शीट सेल्स के अंदर। एज अ रिजल्ट यहाँ से CO2 निकलते ही यहाँ पे कंपोनेंट फॉर्म होता है जिसको हम बोलते हैं पाइरूवेट। इस पाइरूवेट को दोबारा से हम मीजोफिल सेल में भेजते हैं, यानी कि इसका फिर से क्या होता है, ट्रांसपोर्ट। और ट्रांसपोर्ट होने के बाद जब ये पाइरूवेट मीजोफिल सेल में आता है तो इसको एक बार फिर से हम PEP बनाते हैं, यानी कि रीजनरेशन करते हैं। और बच्चों, रीजनरेशन करने के लिए यहाँ पे हमें 2 ATP एक्स्ट्रा लगाने पड़ते हैं। तो अपना हैच स्लैक पाथवे हुआ। तो क्वेश्चन पे आए, PEP प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर होता है C4 प्लांट में, वहीं C3 प्लांट का प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर कौन होता है, रुबिस्को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज एसोसिएटेड विद। अब ये स्प्लिटिंग ऑफ वाटर का कॉन्सेप्ट क्या है, देखो एक बार फिर से हम जी स्कीम पे आते हैं। जी स्कीम में बेसिकली क्या हो रहा है, ये रही हमारे पास थायलाकोइड मेम्ब्रेन। थायलाकोइड मेम्ब्रेन में हमारे पास दो इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट क्या हैं, एक है हमारे पास PS2 और दूसरा है हमारे पास PS1। ये वाला क्या हुआ हमारा थायलाकोइड का, ल्यूमिन। अब मैं एक बार फटाफट आपको एक जी स्कीम समझा रही हूँ। बेसिकली क्या होता है, PS2 के पास बीच में होता है रिएक्शन सेंटर और साइड में होते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। बच्चों, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो होते हैं वो होते हैं क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल एंड कैरेटिनॉइड। ये तीनों आपको मिलेंगे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में। और जो बीच में रिएक्शन सेंटर होता है ना, इस रिएक्शन सेंटर में राजा जी बन के अपने कौन बैठे होते हैं, क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल जोड़ा बैठा होता है। तो ये सारे के सारे अपनी एक्चुअल फेवरेट वेवलेंथ के अकॉर्डिंग, जो इनकी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग, ये अपनी लाइट को एब्जॉर्ब करके एक दूसरे को पास ऑन करते हुए फाइनली किसके पास पहुंचा देते हैं, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल के पास। मीनवाइल क्लोरोफिल ए जो कि बेस्ट वर्क करता है 680 वेवलेंथ पे, ये भी अपने अकॉर्डिंग लाइट लेकर फर्स्ट प्राइमरी एक्सेप्टर को पकड़ा देता है, वो कौन होता है, फियोफाइटिन। फियोफाइटिन फर्दर इसको चेन में एंटर करवाता है और इस चेन में सबसे पहला कंपोनेंट होता है आपका PQ, दैट इज प्लास्टोकिनोन। कैसे याद करोगे, सबसे पहले बंदा कुंवारा होता है, प्लास्टोकिनोन। अब ये इलेक्ट्रॉन पास ऑन होता है साइटोक्रोम BNF। अब इस कुंवारी लड़की का BF बनता है, साइटोक्रोम BF।
और ये फाइनली उससे शादी कर लेती है, पीसी सी से कपल बन जाती है, यानी कि प्लास्टोसाइनिन। तो पहले प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम बीएनएफ एंड देन प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टोसाइनिन इसको किसको पकड़ा देता है, पीएस1 को। पीएस1 भी फर्दर अपना यही काम कर रहा है, अपनी अकॉर्डिंग टू जो भी इसके मॉलिक्यूल्स की एबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग वो लाइट एब्जॉर्ब करता है, एंड वो भी फर्स्ट इसके इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर को पकड़ा देता है जो कि यहाँ पर होता है फेरेडॉक्सिन। फेरेडॉक्सिन देता है एफएनआर को, एंड एफएनआर क्या है बेसिकली, फेरेडॉक्सिन एनएडीपी रिडक्टेज, जो कि स्ट्रोमा में पड़े एनएडीपी को पकड़ के क्या बना देता है, एनएडीपीएच। और वो कैसे बनाता है, स्ट्रोमा में पड़े एच प्लस को पकड़कर एनएडीपी में जोड़ देता है एंड एनएडीपीएच बन जाता है। कमिंग बैक टू द पॉइंट, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर कब होता है, जब आपका पीएस2 फंक्शन कर रहा है, पीएस2 के फंक्शनिंग के टाइम पे जब वो अपनी इलेक्ट्रॉन्स को फियोफाइटिन को दे चुका है, उस ड्यूरेशन में ये इलेक्ट्रॉन मांगता है वाटर से, और बेचारा इलेक्ट्रॉन इसके प्यार का मारा टूट के प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीजन दे देता है। तो वाटर की स्प्लिटिंग हमेशा एसोसिएटेड होती है इनर सरफेस ऑफ थायलाकॉइड मेम्ब्रेन, यानी कि जो थायलाकॉइड मेम्ब्रेन के इनर सरफेस के इस पार्ट से जो है वो रिलेटेड होती है। और इसको करवाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, दैट इज़ पीएस2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फाइंड द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये पार्ट हमने अभी जस्ट यहाँ पे रिपीट किया था। तो सबसे पहला कौन है आपका, पीएस2। पीएस2 इसको देता है हमेशा फियोफाइटिन को, तो यहाँ पे फियोफाइटिन ऑप्शन नहीं है। फियोफाइटिन किसको देता है, प्लास्टोक्विनोन को, बिल्कुल सही बैठ रहा है यहाँ तक। वो किसको देता है, साइटोक्रोम को, ये भी सही है। ये फर्दर किसको देता है, पीएस1 को, वो फर्दर देता है फेरेडॉक्सिन को। तो लो जी, हमारा आंसर तो पहली सीक्वेंस में आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द एंजाइम दैट इज नॉट फाउंड इन सी3 प्लांट। भाई सिंपल सी बात है, सी3 प्लांट के अंदर सिर्फ सी3 साइकिल होती है, C4 प्लांट के अंदर C3 साइकिल भी होती है एंड C4 साइकिल भी होती है। तो बेटा इनके पास तो रुबिस्को भी है और इनके पास PEP भी है, बट C3 प्लांट के पास सिर्फ रुबिस्को है तो इनके पास PEP नहीं होता। तो अब इनके एंजाइम्स देखो, RuBP कार्बोक्साइलेज होता है, बिल्कुल होता है, PEP कार्बोक्साइलेज नहीं होता। NADP रिडक्टेज तो बिल्कुल सबके पास होता है, जबी तो अभी अपन ने देखा NADPH बना, और ATP सिंथेटेज भी होता है। तो इन शॉर्ट इसका आंसर हो गया B। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द रिएक्शन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्राइमरी फिक्सेशन ऑफ CO2 इज कैटलाइज्ड बाय। अब यार ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, C3 प्लांट एंड C4 प्लांट। C3 प्लांट के अंदर पहली रिएक्शन जो होती है CO2 फिक्सेशन की, वो कौन करता है, RuBP CO2 को पकड़ता है और रिएक्शन कैटलाइज करता है रुबिस्को, और फर्स्ट जो स्टेबल कंपाउंड है वो PGA बनता है। वेयर एज C4 प्लांट में जो पहला फिक्सेशन का जो रिएक्शन होता है उसको PEP करता है इन द प्रेजेंस ऑफ पेपकेज, यानी कि यहाँ पे एंजाइम डिफरेंट है और ये कंपोनेंट बनाता है OAA, ऑक्सालोएसिटिक एसिड। तो अगर क्वेश्चन वो पूछ रहा है प्राइमरी फिक्सेशन ऑफ CO2, जल्दबाजी में ए ऑप्शन मत मार्क करना, क्योंकि प्राइमरी फिक्सेशन, ये दोनों ही स्टेप्स प्राइमरी फिक्सेशन होती हैं, बट C3 और C4 प्लांट में दोनों डिफरेंट जो हैं एंजाइम कर रहे हैं, C3 में RuBP कार्बोक्साइलेज एंड C4 में पेप कार्बोक्साइलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन CO2 इज एडेड टू PEP, जब CO2 को PEP में ऐड किया जाता है तो पहला स्टेबल कंपाउंड क्या बनता है, तीन बार कर चुके हैं हम, ऑक्सालोएसिटेट। तो इसी के साथ हमारा पहला वाला चैप्टर कंप्लीट होता है, चलिए नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आओ फर्स्ट क्वेश्चन है, इथाइलीन इज यूज्ड फॉर। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है यार, जब भी हम इथाइलीन के काम के बारे में सोचते हैं तो पहला काम ही यही आता है कि ये राइपनिंग ऑफ फ्रूट को बढ़ाता है। इसके साथ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है कि जब राइपनिंग ऑफ फ्रूट बढ़ता है एट दैट टाइम रेस्पिरेशन की रेट बढ़ जाती है, और रेस्पिरेशन की ये जो रेट बढ़ती है ना, इसके लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, रेस्पिरेटरी क्लाइमैटिक। तो अपन ने क्या बोला, रेस्पिरेशन रेट बढ़ी, इसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी क्लाइमैटिक। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कोकोनट वाटर कंटेन, इसका आंसर है साइटोकाइनिन। बट इसके पीछे का लॉजिक क्या है, देखो सबसे पहली बार डिस्कवर हुआ था काइनेटिन, और काइनेटिन को डिस्कवर किया गया था एक मछली जिसका नाम है
हेरिंग, इस मछली का स्पर्म निकाला गया। उस स्पर्म के डीएनए में से हमने काइनेटिन आइसोलेट किया। अब ऑब्वियस सी बात है, ये मछली से डिराइव हुआ है तो क्या काइनेटिन जैसी कंपोनेंट प्लांट में मिलेगी? नहीं। इसके बाद डिस्कवर हुआ था हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट, जिसको अपन क्या बोलते हैं, जियाटिन। और जियाटिन को आइसोलेट किया गया था एक तो कॉर्न कर्नल से, भुट्टे के से, और दूसरा किया गया था कोकोनट मिल्क। और ये दोनों ही कंपोनेंट बेसिकली क्या है, साइटोकाइनिन। चाहे हम काइनेटिन की बात करें चाहे जियाटिन की बात करें, सो द आंसर विल बी साइटोकाइनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द इफेक्ट ऑफ एपिकल डोमिनेंस कैन बी ओवरकम बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट या हार्मोन। पहली बात, एपिकल डोमिनेंस क्या होता है, जैसे ये प्लांट है, इसकी ये जो ऊपर ही ऊपर है ये टिप पे कहलाती है एपिकल बड, है ना। और साइड से जो बर्ड ग्रो करती है ना, इन बर्ड्स को हम बोलते हैं लेटरल बर्ड। तो इस एपिकल बर्ड में क्या होता है, ऑक्सिन। एज अ रिजल्ट ये एपिकल बर्ड साइड वाली बेचारी लेटरल बर्ड्स को ग्रो ही नहीं करने देती, इसको हम बोलते हैं एपिकल डोमिनेंस। अब अगर आपको एपिकल डोमिनेंस ख़त्म करना है तो सिंपल सी बात है, जो टिप पे एपिकल बर्ड है उसको हटा दो। इसके हटाने को, ये जो शूट टिप हम हटा रहे हैं ना, इसको हम बोलते हैं डीकैपेसिटेशन। और अल्टीमेटली इसके कारण टिप हट गई तो साइड वाली लेटरल ब्रांचेस ग्रो करने लग जाती हैं। इसको अपन वाइडली ना दो जगहों पे बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। एक तो अपन टी प्लांटेशन, या टी प्लांटेशन में मेन क्या है, पत्तियाँ, तो साइड से पत्तियाँ खूब सारी ग्रो करनी चाहिए ना, तो टी प्लांटेशन में यूज़ करते हैं, टिप ऊपर की काट देते हैं। एंड दूसरा हेज मेकिंग, अपन पार्क वार्क में जाते हैं शानदार वाले, उनमें आप देखते हो प्लांट्स का पैटर्न दिखता है, एक साइड से मस्त वाले ग्रो कर रहे होते हैं इस तरीके से, हेज मेकिंग, तो उसमें भी यूज़ किया जाता है। सो द आंसर विल बी, अच्छा अब इस एपिकल डोमिनेंस को कौन सा पार्ट जो होता है, वो कौन सा हार्मोन पर्टिकुलरली इसको कम करता है, साइटोकाइनिन। तो ये ऑक्सिन के एंटागोनिस्टिक काम करता है। एंटागोनिस्टिक का मतलब समझ लो ऑपोजिट। ऑक्सिन एपिकल डोमिनेंस बढ़ा रहा है, साइटोकाइनिन उसको हटा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, इसके अंदर सीधा सा अपन को मैच करना है सबके काम से। तो सबसे पहले तो अपन को, मुझे सीधा सीधा दिख रहा है, इथाइलीन का काम है राइपनिंग ऑफ फ्रूट करना। जो अपन को सबसे पहले समझ आता है ना, वो अपन को फटाफट ढूंढ लेना चाहिए। अभी मैंने आपको बताया साइटोकाइनिन को सबसे पहले काइनेटिन की फॉर्म में डिस्कवर किया था हेरिंग स्पर्म से। नेक्स्ट आता है अपन का IAA। IAA का मतलब ही होता है अपना इंडोल एसिटिक एसिड, यानी कि ऑक्सिन। ऑक्सिन को भाई लोगों वीड फ्री लॉन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। इसका मतलब क्या है सुनो, IAA यानी कि ऑक्सिन को हम हर्बीसाइड की तरह भी यूज़ करते हैं। और इसका जो 2,4-D कॉम्पोनेंट है ना, उसको अपन क्या करते हैं, जितनी भी डाइकॉट वीड्स है ना उसके ऊपर स्प्रे कर देते हैं। डाइकॉट वीड्स में जो रूट्स होती है ना, फटाफट फटाफट इसको एब्जॉर्ब करती हैं। एब्जॉर्प्शन करने के बाद जब ज़्यादा ऑक्सीजन हो जाता है ना एक प्लांट में, तो भी उसकी जो ग्रोथ है वो अफेक्ट हो जाती है, एज अ रिजल्ट ये मर जाते हैं। दिक्कत ये है कि आप इसको डाइकॉट वीड पे तो यूज़ कर सकते हो, पर इसको मोनोकॉट वीड पे यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि मोनोकॉट इतना ज़्यादा इसको एब्जॉर्ब नहीं करता। अब आते हैं नेक्स्ट पे, ABA, दैट इज़ एब्सेसिक एसिड, स्टोमेटा को क्लोज करता ही है। और फाइनली बचा गिब्रेलिक एसिड, जो कि बोल्टिंग प्रमोट करता है। बोल्टिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान सा है। जैसे ये एक कैबेज है, ठीक है, कैबेज के अंदर जब बोल्टिंग होगी ना, तो सबसे पहले तो स्टेम एलोंगेशन होगा। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 स्टेम एलोंगेशन होगा। स्टेम एलोंगेशन के कुछ टाइम बाद इस पे क्या हो जाएगी, फ्लावरिंग हो जाएगी। तो बोल्टिंग एक तरीके का फ़ायदेमंद प्रोसेस है या नुकसान है, ये अपन कैसे डिसाइड करते हैं कि आप वेजिटेबल या इस प्लांट का कौन सा पार्ट यूज़ करने वाले हो। देखो, बोल्टिंग प्रमोट कर रहा है फ्लावरिंग को, तो अगर आप किसी प्लांट से सीड डिराइव करना चाहते हो तो बोल्टिंग आपके लिए एक फ़ायदेमंद प्रोसेस है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। तो अपना ये क्वेश्चन भी हुआ। नेक्स्ट पे आते हैं, एप्पल्स आर जनरली रैप्ड इन वैक्स्ड पेपर। भाई उसको वैक्स पेपर से इसलिए कवर करते हैं ताकि उसमें एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं हो, O2 की एंट्री नहीं हो। साथ के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट एक और होता है कि जब ये रैप्ड होते हैं ना, तो राइपनिंग भी जल्दी नहीं होती। तो आंसर विल बी बी,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ग्रोथ कैन बी मेजर्ड इन वेरियस वे। अब यार कई तरीके से कौन सा पैरामीटर इसके अंदर से यूज़ किया जाता है? सेल नंबर इंक्रीज हो रहा है, बिल्कुल ये भी एक पैरामीटर है। सेल साइज इंक्रीज हो रहा है, ये भी एक पैरामीटर है। लेंथ एंड वेट इंक्रीज हो रहा है, यानी इन शॉर्ट ये तो सारे ही पैरामीटर हैं, तो आंसर विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द टर्म सिनर्जिस्टिक एक्शन ऑफ हार्मोन रेफर टू। देखो दो टर्म है, एक है सिनर्जिस्टिक, एक है एंटागोनिस्टिक। दोनों का मतलब ही यही है, सिनर्जिस्टिक यानी कि दो हार्मोन एक साथ काम कर रहे हैं और एक ही फंक्शन लेकर आ रहे हैं, तो ये सिनर्जिस्टिक फंक्शन। एंटागोनिस्टिक है, दो हार्मोन एक दूसरे के ऑपोजिट काम कर रहे हैं। अब इसमें अपन को सिनर्जिस्टिक के लिए अगर देखें तो दो हार्मोन एक साथ एक्ट कर रहे हैं और एक ही फंक्शन लेकर आ रहे हैं, तो आंसर विल बी बी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है हमारा प्लास्टिसिटी। भाई प्लास्टिसिटी क्या होता है? प्लांट ना कुछ अलग ही पाथवे फॉलो करते हैं, क्यों फॉलो करते हैं यार? या तो इन्वायरमेंट इनको ऐसा करवा रहा है, या फिर इनकी लाइफ की फेज का ये हिस्सा है, इसके चलते इनके अंदर कुछ अलग स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं। डेफिनेशन दोबारा सुनो, प्लांट कुछ अलग ही पाथवे फॉलो कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि या तो एनवायरनमेंट का रिस्पॉन्स है, या फिर लाइफ जिंदगी के फेज का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिसके कारण कुछ अलग ही स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं। जिसके एग्जांपल में हम लेते हैं हीट्रोफिली। बेटा हीट्रो मतलब यहाँ पर होता है डिफरेंट, एंड फिली वर्ड का मतलब होता है लीफ। तो इसका एग्जाम्पल अच्छे से समझेंगे। हीट्रोफिली, अगर आप फेजेज ऑफ लाइफ को एग्जाम्पल ले रहे हो ना, तो एग्जाम्पल क्या लोगे? कोरिएंडर, कॉटन एंड लार्क्सपर, ये दोनों तीनों एग्जाम्पल है जिसको मैं CLC से याद रखती हूँ, कोरिएंडर, लार्क्सपर एंड कॉटन। इसके अंदर क्या होता है, जब ये छोटे छोटे नन्ने नन्ने बच्चे होते हैं, जुविनाइल फेज में ये ऐसी दिखती हैं पत्तियाँ दिखती हैं धनिए की, और है ना जब ये बड़े मेच्योर हो जाते हैं तो ये देखो धनिए की पत्ती ऐसी दिखती है, तो ये फेज ऑफ लाइफ हो गया। ऑन द अदर हैंड अगर मैं एनवायरमेंट का एग्जाम्पल लूँ ना, तो एग्जाम्पल है आपका बटरकप, या फिर मैं इसको बोल सकती हूँ रेनानक्यूलस, दूसरा नाम बटरकप या रेनानक्यूलस। इसमें क्या होता है भाई, जब ये एयर यानी कि एक्चुअली में लैंड वाले हैबिटेट में होता है ना, तो इसकी पत्तियाँ कुछ इस तरीके की दिखती हैं। वहीं अगर ये पानी में ग्रो कर रहा है ना, तो इसकी पत्तियाँ ऐसी नीडल जैसी दिखती हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को हम प्लास्टिसिटी बोलते हैं। क्वेश्चन का अपने पास यहाँ पर जो ऑप्शन है वो ये बोल रहा है, प्लास्टिसिटी इन प्लांट ग्रोथ मीन्स दैट प्लांट डेवलपमेंट इज डिपेंडेंट ऑन द एनवायरमेंट। बिल्कुल ये रहा हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टू इंक्रीज शुगर प्रोडक्शन इन शुगर केन दे आर स्प्रेड विद। देखो यार सीधी सी बात है, गिबरेलिन जब भी आप कहीं स्प्रे करते हो ना, तो वो इंटरनोड इलोंगेशन करवाता है। शुगर केन में अल्टीमेटली हमको क्या चाहिए? लंबे लंबे गन्ने। तो शुगर केन पे जब कभी भी GA स्प्रे किया जाता है ना, तो इंटरनोड इलोंगेशन के कारण ये गन्ने बहुत ही लंबे हो जाते हैं। एज अ रिजल्ट अगर अपन देखें तो अपना ओवरऑल प्रोडक्शन या यील्ड क्या हो गया? इंक्रीज। एंड इनफैक्ट ये कितनी इंक्रीज हो जाती है? 20 टन्स पर एकड़ तक ये इंक्रीज हो जाती है। तो आंसर विल बी गिबरेलिन। नेक्स्ट आता है ABA acts antagonistic। antagonistic का मतलब है opposite। देखो यार ABA का एक बहुत important काम होता है, ये जो stomata है ना, इसको क्या करता है? Close। Whereas इसके opposite जो क्वेश्चन है, ABA acts antagonistic यानी कि ABA abscisic acid किसके opposite work करता है? आंसर है gibberellic acid। कैसे यार? ये जो ABA है ना, ये एक्चुअली में क्या करता है? सीड डॉर्मेंसी प्रमोट करता है, ये सीड को ग्रो नहीं करने देता। क्यों? क्योंकि यार फेवरेबल फैक्टर्स नहीं दिख रहे उसको बाहर। ऑन द ऑपोजिट हैंड ये जो GA है ना, ये सीड जर्मिनेशन प्रमोट करता है। तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोनोकार्पिक प्लांट आर दोस। यार मोनो वर्ड का मतलब होता है एक, तो जिंदगी में जो एक बार फ्लावर एंड फ्रूट दे और मर जाए, वो होते हैं आपके मोनोकार्पिक प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटो पीरियड इन प्लांट इज परसीव्ड एट। इस कॉन्सेप्ट को अपन ऐसे समझेंगे, ये एक प्लांट की पत्ती है, ठीक है, ये लीफ जो है वो आपका क्या परसीव करने वाली है? इट इज़ द साइट ऑफ परसेप्शन। ओवरऑल जो लाइट एंड डार्क का जो ड्यूरेशन है ना, तो साइट ऑफ परसेप्शन हमेशा क्या होती है? लीफ। एज अ रिजल्ट यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल हार्मोन प्रोड्यूस होता है जिसे हम बोलते हैं फ्लोरिजन। फ्लोरिजन को फर्दर ट्रांसपोर्ट किया जाता है कहाँ पे? शूट एपाइसिस तक, टिप पे पहुँचाया जाता है। एज अ रिजल्ट ये शूट एपाइसिस जो हैं वो कन्वर्ट होके क्या बन जाती हैं?
फ्लॉरिंग एपाइसिस, और एज अ रिजल्ट इसी से ही क्या ग्रो करेगा आपका फ्लावर। तो आंसर क्या है, कौन परसीव करता है, लीफ। तो ये चैप्टर भी ख़त्म। नेक्स्ट चैप्टर है मिनरल न्यूट्रिशन। देखो इसका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रोल्स इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एसेंशियल एलिमेंट। भाई इनमें से कौन सा एसेंशियल एलिमेंट का काम नहीं है। पहला है बींग अ कॉम्पोनेंट ऑफ बायोमोलिक्यूल। तो भाई किसी भी बायोमोलिक्यूल का कॉम्पोनेंट बनता है एसेंशियल एलिमेंट, तो ये तो है। सेकेंड है चेंजिंग द केमिस्ट्री ऑफ सॉइल। यार कोई भी एसेंशियल एलिमेंट किसी सॉइल की केमिस्ट्री क्यों जाके चेंज करेगा, गलत। थर्ड है बींग अ स्ट्रक्चरल कॉम्पोनेंट ऑफ एनर्जी रिलेटेड केमिकल कॉम्पोनेंट। यानी कि कोई केमिकल कॉम्पोनेंट है जो कि एनर्जी से रिलेटेड है, इसका स्ट्रक्चरल कॉम्पोनेंट है, जैसे कि ATP, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। तो फॉस्फेट है ना एसेंशियल एलिमेंट, तो ये भी सही है। एक्टिवेशन और इनिबिशन ऑफ एंजाइम, यानी कि किसी भी एंजाइम को एक्टिवेट करना या उसके काम को इनिबिट करना, तो ये भी रोल है एसेंशियल एलिमेंट का। तो आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बेस्ट एक्सप्लेन द टर्म क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन। पहली बात, क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है। बाई एक कॉन्सेंट्रेशन जिसके नीचे अगर कोई एसेंशियल एलिमेंट पहुँच जाए तो बेचारा प्लांट मना कर देता है ग्रोथ करने का। इन शॉर्ट वो मर जाएगा, रिटार्ड हो जाएगी उसकी ग्रोथ। तो इसका आंसर क्या हुआ, एसेंशियल एलिमेंट कॉन्सेंट्रेशन बिलो विच प्लांट ग्रोथ इज रिटार्डेड। लो जी ए आंसर हो गया। थर्ड पे आते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन, डेफिशिएंसी सिम्टम ऑफ एन एलिमेंट। अब पहले तो यार ये कॉन्सेप्ट समझते हैं। अपन के पास जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक होता है मोबाइल न्यूट्रिएंट, एक होता है इमोबाइल न्यूट्रिएंट। अब ये क्या मतलब है, ध्यान से सुनना। मोबाइल न्यूट्रिएंट कौन सा न्यूट्रिएंट होता है जो कि जैसे किसी ओल्डर पार्ट में प्रेजेंट है, यानी कि आप इमेजिन करो कोई ओल्ड लीफ है उसमें प्रेजेंट है बायोमोलिक्यूल की फॉर्म में। अब ये बायोमोलिक्यूल टूटेगा तो इसमें से ये न्यूट्रिएंट निकलेगा, और ये न्यूट्रिएंट भागा भागा यंग लीफ की तरफ गया, यानी कि नई नई छोटी सी लीफ के पास गया। ऐसा न्यूट्रिएंट जो कि ओल्ड पार्ट के किसी बायोमोलिक्यूल के टूटने पे फटाफट भाग के किसी यंग पार्ट पे चल जाता है, ऐसा न्यूट्रिएंट मोबाइल होता है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड इमोबाइल क्या होता है, जैसे ये किसी बूढ़ी पत्ती है, ये बूढ़ी पत्ती का स्ट्रक्चरल कॉम्पोनेंट है ये कोई बायोमोलिक्यूल, सॉरी ये एलिमेंट। तो यार ये इसका स्ट्रक्चर बन गया ना, तो ये टूटेगा नहीं, और एज अ रिजल्ट ये किसी यंग पार्ट के पास भागेगा नहीं, तो ये इतना जल्दी भाग नहीं रहा, ठीक। अब अगर कभी डेफिशिएंसी होती है न्यूट्रिएंट की, तो बेटा मोबाइल न्यूट्रिएंट की जब जब डेफिशिएंसी होगी, तो क्योंकि न्यूट्रिएंट फटाफट भग के उसकी टेंडेंसी है यंग पार्ट के पास भागना, तो बेटा डेफिशिएंसी हमेशा किस पार्ट में होगी, ओल्ड पार्ट में। मैं इसको कैसे याद रखती हूँ, मोबाइल आज की जनरेशन मोबाइल में एक्सपर्ट है, बट ओल्ड जनरेशन मोबाइल में क्या है, नॉलेज में डेफिशिएंट। तो मोबाइल न्यूट्रिएंट हमेशा डेफिशिएंट होएगा ओल्ड पार्ट में। इमोबाइल भाई किसी ओल्ड पार्ट का स्ट्रक्चर बन गया वो, तो अगर डेफिशिएंसी होगी तो वो हमेशा किसके पास होगी, यंग पार्ट पे होगी, ठीक है। पॉइंट नंबर वन क्लियर। पॉइंट नंबर टू है एग्जांपल। एग्जांपल आप क्या याद करोगे, यहाँ पे एग्जांपल है सल्फर एंड कैल्शियम, क्योंकि वो सेल का स्ट्रक्चर बन चुके हैं तो वो इमोबाइल हो गए हैं। दूसरी तरफ मोबाइल में क्या याद करोगे आप, नाइट्रोजन पोटाशियम एंड मैग्नीशियम, ये तीनों आपके कौन से हैं, मोबाइल। अब पढ़ते हैं अपन क्वेश्चन। डेफिशिएंसी सिम्टम ऑफ एन एलिमेंट टेंड टू अपियर फर्स्ट इन यंग लीफ। बेटा कौन सा होगा, मोबाइल की इमोबाइल, इमोबाइल अड़ गया वो तो ओल्ड पार्ट में, नहीं जाऊँ मैं तो यंग के पास। इट इंडिकेट दैट द एलिमेंट इज रिलेटिवली इमोबाइल, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंटल डेफिशिएंसी, कौन है ये, सल्फर और कैल्शियम है, ये देखो यहाँ पे सल्फर रहा, आंसर आ गया ए। ऑन द अदर हैंड मैग्नीशियम नाइट्रोजन एंड पोटाशियम आपके कौन से वाले हैं, मोबाइल न्यूट्रिएंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम इज नॉट ड्यू टू मैग्नीज टॉक्सिसिटी। पहली बात तो यार टॉक्सिसिटी क्या होता है, सिंपल सी बात है, एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन है, अगर इस कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर ही आपका एलिमेंट आ जाए, ये जो न्यूट्रिएंट है आप इससे ज़्यादा ले लो, तो वो टॉक्सिसिटी कहलाता है। अब मैंगनीज टॉक्सिसिटी क्या होता है, उसको समझने के लिए आप इमेजिन करो, मैंगनीज ना एक बहुत ही सुंदर इतराऊ लड़की है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, एक ही बस में मैंगनीज बैठती है, आयरन बैठती है और मैग्नीशियम बैठती है। तो भाई ये मैग्नीज जो है ना, वो अपटेक के लिए लड़ाई करती है। अपटेक का मतलब समझ रहे हो तुम, कि नहीं नहीं पहले मुझे ही लेंगे, मैं ही मुझे ही सेलेक्ट करेंगे सब, है ना, और आयरन और मैग्नीज को नहीं करेंगे। तो पहली लड़ाई तो इसकी अपटेक के लिए होती है। दूसरी लड़ाई इसकी क्या होती है, मैग्नीज की मैग्नीशियम से लड़ाई होती है।
एक एंजाइम होता है, ठीक है, उसका जो बाइंडिंग है वो मैग्नीशियम से होना है। ऐसे इमेजिन कर लो, बड़ी बहन है, मैग्नीशियम से शादी होनी है इस एंजाइम की, निजी मैग्नीज कहती है, हर वक्त मैग्नीशियम को हटाकर खुद उधर जाने की कोशिश करती है। कहने का मतलब है एक एंजाइम से बाइंडिंग के लिए लड़ाई करती है मैग्नीशियम से, ये मैग्नीज। और तीसरा भाई कैल्शियम के साथ तो बहुत ही बुरा करती है। कैल्शियम भाई है ना, वो ट्रांसलोकेट होना चाहता है, बोले तो ऊपर जाना चाहता है, शूट एपाइसिस तक ऊपर जाना चाहता है, बस शूट एपेक्स तक ट्रांसलोकेट होना चाहता है। तो ये उसके ट्रांसलोकेट को भी, ट्रांसलोकेशन इन शॉर्ट उसकी मूवमेंट को भी रोक देती है, चल रुक जा। तो तीन चीज़ें बोली मैंने, मैग्नीज आयरन एंड मैग्नीशियम से तो अपटेक के लिए लड़ाई करती है, जगह के लिए नहीं, पहले मेरे को ही लिया जाएगा, मैं ही सिलेक्ट होंगी। मैग्नीज मैग्नीशियम से एंजाइम बाइंडने के लिए लड़ाई करती है, नहीं मैं आऊँगी तेरी जगह पर। और कैल्शियम तो लो भाई, उसे ट्रांसलोकेट इधर से उधर मूव ही नहीं करने देती शूट एपेक्स तक। तो ये तीन चीज़ें एक मैंगनीज का काम होता है। तो भाई अगर किसी प्लांट में मैंगनीज ज़्यादा हो गया तो ऑटोमेटिकली आयरन मैग्नीशियम और कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाएगी। ये तो अपन को समझ आ गया। अब अपन देखते हैं ये क्या, इसके पॉइंट्स क्या दे रखे हैं। कैल्शियम ट्रांसलोकेशन इन शूट एपेक्स इज इनहिबिटेड, बिल्कुल ये मैंगनीज टॉक्सिसिटी का काम है। डेफिशिएंसी इन बोथ आयरन एंड नाइट्रोजन इज रिड्यूस, भाई नाइट्रोजन तो मैंने बोला ही नहीं, मैग्नीशियम होगा, या तो आयरन मैग्नीशियम कैल्शियम, पर नाइट्रोजन नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट है अपियरेंस ऑफ ब्राउन स्पॉट सराउंडेड बाय क्लोरोटिक वेन, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है मैंगनीज टॉक्सिसिटी का। तो अल्टीमेटली ऑप्शन बी गलत है और ये आंसर है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है रिएक्शन कैरीड आउट बाय नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब, यानी कि नाइट्रोजन साइकिल के बारे में बात हो रही है, तो एक बार क्विकली फटाफट देख लेते हैं है क्या भाई। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है N2 78%, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को चाहिए पर कोई ले नहीं पा रहा, तो सबसे पहले इसकी करनी पड़ती है नाइट्रोजन फिक्सेशन। और नाइट्रोजन फिक्सेशन करते ही हम सॉइल में कर रहे हैं, तो सॉइल में नाइट्रोजन फिक्सेशन होते ही क्या बनता है, अमोनिया। ठीक भाई, अमोनिया अब यार डायरेक्टली ले नहीं पाते प्लांट्स, तो प्लांट्स कहते हैं यार इसको प्लीज़ कन्वर्ट करो। तो पहला प्रोसेस है नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब अमोनिया को अपन कन्वर्ट करते हैं सबसे पहले नाइट्राइट में, उसके बाद कन्वर्ट किया जाता है नाइट्रेट में। मैं इसको हमेशा ऐसे याद रखती हूँ, लॉजिकली अल्फ़ाबेट में पहले ए आता है फिर आई, बट नाइट्रोजन फिक्सेशन में पहले आई आएगा फिर ए, नाइट्राइट एंड नाइट्रेट। ठीक है भाई, अब अमोनिया से नाइट्रेट बनाने की जो पूरी रिएक्शन है इसे हम बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन, और इसके लिए हमें तीन महारथी बैक्टीरियाओं की हेल्प चाहिए। अब देखो अमोनिया से पहले अपन नाइट्राइट बना रहे हैं, बहुत तगड़ी रिएक्शन है यार, अपन को अमोनिया में ऑक्सीजन डालनी है, तो हमें दो महारथियों की ज़रूरत है। बट भाई बड़ा काम है तो हमें दो जनों की ज़रूरत पड़ेगी ना, तो यहाँ पर हमें फर्स्ट रिएक्शन में दो इम्पॉर्टेंट बैक्टीरिया चाहिए होते हैं। एक का नाम है नाइट्रोसोमोनास, सो इम्पॉर्टेंट वर्क इन नाइट्रोसोमोनास, सबसे इम्पॉर्टेंट नाइट्रोसोमोनास, ठीक। दूसरा क्या है, नाइट्रोकोकस, तो ये दोनों को अपन यूज़ करेंगे। इसको कैसे याद रखोगे, अमोनिया से नाइट्राइट बनाना है, ऑक्सीजन डालना है, हमें दो महारथियों की ज़रूरत है, सो वर्क तो नाइट्रोसोमोनास। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, नाइट्राइट से नाइट्रेट, फॉर्म सिमिलर सी है, बस जरा से ही तो फॉर्म चेंज करना है, तो वी नीड अ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का नाम है नाइट्रोबैक्टर, हो जाएगा आराम से यार, छोटे काम के लिए बैक्टीरिया नाइट्रोबैक्टर, बड़े काम के लिए सो बिग वर्क नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस। चलिए भाई अब क्या है, नाइट्रेट बन गया, तो प्लांट कहते हैं भाई नाइट्रेट तो हम ले सकते हैं, तो नाइट्रेट को प्लांट एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इससे प्रोटीन बनाते हैं, ये प्रोटीन एनिमल्स भी ले लेते हैं। ठीक, यहाँ तक क्लियर। अब यार कभी ना कभी ये प्लांट भी मरेंगे और कभी ना कभी ये एनिमल भी मरेंगे, एंड ये जो मरे हुए प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं ना, इनसे एक बार फिर से अमोनिया दी जाएगी, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं अमोनिफिकेशन, मरे हुओं से वापस से अमोनिया बनाना, अमोनिफिकेशन। पर इस पूरे काम में ये बैक्टीरिया इतना पार्टिसिपेट क्यों कर रहे हैं, याद रखना बेटा ये सारे बैक्टीरिया पार्टिसिपेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये कीमो ऑटोट्रॉप्स हैं, और कीमो ऑटोट्रॉप्स को केमिकल चाहिए अपना खाना बनाने के लिए, दैट इज़ वाई ये इतनी हेल्पफुल नेचर दिखा रहे हैं, या वरना ये कोई हेल्पफुल इसलिए नहीं है, कीमो ऑटोट्रॉप्स ही हैं। ठीक, अब यहाँ पे कुछ छोटे बैक्टीरिया आते हैं, छोटे बैक्टीरिया जो हैं वो अमोनिया को
वापस से गुल कर देते हैं नाइट्रोजन साइकिल से और कह देते हैं जा बेटा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी और फ्री नाइट्रोजन बना देते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन, क्योंकि आपने जो नाइट्रिफिकेशन किया उसको फिर से आपने रिवर्स कर दिया, डीनाइट्रिफिकेशन। इसको मैं हमेशा याद रखती हूँ पीटी डेनी, डेनी पीटी है, बहुत स्मार्ट सा है पीटी डेनी। तो डेनी, डीनाइट्रिफिकेशन का डेनी, पी से आपका है स्यूडोमोनास, ठीक है, और टी से है आपका थायोबैसिलस। तो एक बार अपन ने पूरा देख लिया, अब क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन में आपको दो रिएक्शन दे रखी हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट दीज इक्वेशन इज ट्रू। देखो ध्यान से देखो, अमोनिया से पहला बना नाइट्रेट, फिर नाइट्राइट से बना नाइट्रेट। तो पहले स्टेप के लिए अपन को दो चाहिए थे, कौन कौन से, नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस, ये रहा स्टेप वन, इन्हीं से कैरी हो रही है। और नेक्स्ट जो है नाइट्राइट से नाइट्रेट बनाने के लिए यू नीड नाइट्रोबैक्टर, यानी कि यार दोनों ही बिल्कुल सही है। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है विद रिगार्ड टू बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, कौन कर रहा है, राइजोबियम, किस में कर रहा है, लेग्यूमिनस प्लांट, सोयाबीन के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट होल्ड ट्रू, अगेन नॉट आ गया। तो इसके अंदर हमें चार स्टेटमेंट दे रखे हैं नाइट्रोजिनेस के बारे में। तो सबसे पहले तो एक बार अपन शॉर्ट में देख लेते हैं नाइट्रोजिनेस कौन है। भाई देखो, नाइट्रोजिनेस ना एक एंजाइम है, पहली बात, जो किसके लिए काम आता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। बेसिकली ये एक मूफी प्रोटीन, यानी कि मॉलिबिडिनम एंड आयरन को यूटिलाइज करके बनाया जाता है। नेक्स्ट आपको याद रखना है नाइट्रोजिनेस इफेक्टिव तो बहुत है, पर भाई को ऑक्सीजन बिल्कुल पसंद नहीं है, यानी कि इसको कैसी कंडीशन चाहिए, एनएरोबिक कंडीशन चाहिए। अब इसको एनएरोबिक कंडीशन देने के लिए दो लोग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एक तो रूट नोड्यूल। रूट नोड्यूल कहती है बेचारी मेरी नाइट्रोजिनेस, इसको एनारोबिक कंडीशन चाहिए, चलो ठीक है मैं इसको एनारोबिक कंडीशन दूंगी। इसने क्या किया, एक भाई को पाला, लेग हीमोग्लोबिन। नोड्यूल के पास क्या है, लेग हीमोग्लोबिन। मैं ऐसे याद रखती हूँ, ये लेग हीमोग्लोबिन लात मारकर ऑक्सीजन को भगा देता है। तो लेग हीमोग्लोबिन नोड्यूल के पास होता है और वो ऑक्सीजन स्कैवेंजर होता है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ आपको याद रखनी है कि ये जो माइक्रोब्स होते हैं ना, जो नाइट्रोजिनेस को यूज़ कर रहे हैं, जो कि नाइट्रोजिनेस के थ्रू नाइट्रोजन फिक्सेशन करा रहे हैं, ये लोग भी नाइट्रोजिनेस के लिए एक बहुत त्याग करते हैं बड़ा। क्या, नॉर्मल में ये एरोबिक कंडीशन में रहना प्रेफर करते हैं, बट इन्हें पता है यार बेचारा नाइट्रोजिनेस जो है वो बर्बाद हो जाएगा, तो ऐसा ना हो इसके लिए ये एरोबिक कंडीशन बनाते हैं। तो एक नोड्यूल के थ्रू होता है और एक माइक्रोब के थ्रू होता है। अब अपन आंसर पढ़ते हैं, नाइट्रोजिनेस मे रिक्वायर ऑक्सीजन। अरे मैं अभी तो कह रही हूँ नाइट्रोजिनेस को ऑक्सीजन कतई पसंद नहीं है, ऑप्शन ए गलत। दूसरा, नाइट्रोजिनेस इज मूफी प्रोटीन, बिल्कुल सही। लेग हीमोग्लोबिन इज पिंक कलर्ड पिगमेंट, हीमोग्लोबिन है पिंक रेड कलर आएगा, बिल्कुल सही बात है। नाइट्रोजिनेस हेल्प टू कन्वर्ट नाइट्रोजन गैस इनटू टू मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया, बाकी सब सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैच द एलिमेंट, फटाफट यहीं के यहीं अपन इन्हें मैच करते हैं। पहला है बोरॉन, कैसे याद रखना है, बोरॉन बोरिंग मशीन जैसा कुछ साउंड करता है। बोरॉन का काम होता है पॉलन जर्मिनेशन के टाइम पे पॉलन ट्यूब को रास्ता प्रोवाइड करना। भाई स्टिग्मा स्टाइल ऐसे खोखले तो है नहीं, तो यहाँ पे सेल्स को ऐसे इमेजिन करो, बोरॉन अपनी बोरिंग मशीन धड़ करके चलाता हुआ स्टिग्मा स्टाइल को पूरा खोखला करते हुए पॉलन ट्यूब को पैसेज प्रोवाइड करता है। तो ये रहा हमारे पास पॉलन जर्मिनेशन, ठीक। मैंगनीज, मैंगनीज बहुत ही ज़रूरी है, अगर आपको याद हो तो फोटोसिंथेसिस के अंदर लाइट रिएक्शन के टाइम पर ल्यूमिन में वाटर का ब्रेकडाउन होता है, क्या बनाने के लिए, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीजन, इसके लिए हमें मैंगनीज चाहिए होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मॉलिबिडिनम, अभी हमने देखा है मूफी मॉलिबिडिनम नाइट्रोजिनेस का कॉम्पोनेंट है। नेक्स्ट आते हैं जिंक, ऑक्सीजन बनाने के लिए वी रिक्वायर जिंक। एंड लास्ट आयरन, कॉम्पोनेंट ऑफ फेरेडॉक्सिन। फेरेडॉक्सिन याद करो, एक बार क्विकली मैं आपको याद करा देती हूँ, जब हम जी स्कीम पढ़ते हैं तो सबसे पहले आता है हमारा PS2। PS2 अपना इलेक्ट्रॉन किसको देता है, फर्स्ट कॉम्पोनेंट कौन था वो, फियोफाइटिन। फियोफाइटिन इसको किसको देता है, PQ कुमारा प्लास्टोकिनोन, वो किसको देता है, साइटोक्रोम BnF, बॉयफ्रेंड बन गया,
इसके बाद क्या था, कपल प्लास्टोसाइनिन, ये किसको देता है, पीएस वन को। और बेटा पीएस वन जो सबसे पहले देता है, यहाँ पे पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है आपका, फेरेडॉक्सिन, और ये फर्दर किसको देता है, एफएनआर। तो ये रहा आपका फेरेडॉक्सिन, तो आयरन कॉम्पोनेंट ऑफ फेरेडॉक्सिन। चलिए ये क्वेश्चन भी हो गया, आगे चलते हैं। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांट कैन बी ग्रोन इन, प्लांट को आप सॉइल में भी ग्रो कर सकते हो, वाटर में भी ग्रो कर सकते हो, बट शर्त है कि जिसमें भी ग्रो करो उसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट होने ज़रूरी हैं। तो ऑप्शन आपको बोल रहा है सॉइल विद एसेंशियल न्यूट्रिएंट, बिल्कुल सही है, वाटर जिसमें एसेंशियल न्यूट्रिएंट है, ये भी सही है, या तो वाटर या सॉइल बट एसेंशियल न्यूट्रिएंट है, ये भी सही है। लास्ट ऑप्शन बोल रहा है या तो वाटर या सॉइल बट एसेंशियल न्यूट्रिएंट ही नहीं है, नहीं 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 भाई, प्लांट्स को एसेंशियल न्यूट्रिएंट चाहिए, तो ये ऑप्शन गलत है। तो विद दिस हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट अप्लाई टू रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस अपना ये जो RO वाटर है ये वही तो है, पहला ऑप्शन ये तो कह रहा है इट इज़ यूज फॉर वाटर प्यूरिफिकेशन, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है इन दिस टेक्निक प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड। तो पहली बात तो हम ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है वो देख लेते हैं। अगर ये मैंने एक बीकर लिया, इस बीकर में मैंने क्या डाल दिया, वाटर। अब मैंने क्या किया, एक फनल लिया, फनल के अंदर मैंने क्या भर दिया, सुक्रोज सल्यूशन, ठीक है। इन दोनों के बीच में एक मेम्ब्रेन लगा दी। अब यार मेम्ब्रेन कैसे लेकर आऊँ, कहाँ से लाऊँ मेम्ब्रेन, तो बहुत आसान है, अंडा लो, अंडे को किसके अंदर डाल दो आप, डाइल्यूट HCl में। कितनी देर के लिए डाल दो, थोड़ी देर के लिए डाल दो, कुछ आवर्स के लिए। तो क्या होगा, बाहर की जो शेल है, कैल्शियम कार्बोनेट की जो शेल है, वो डिसॉल्व हो जाएगी। और अब जो आपको ये दिख रही है ना, ये पतली सी मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन उठाओ और यहाँ पर लगा दो। समझ आया मेम्ब्रेन कैसे गेन करते हैं अपन। अब नेक्स्ट बात आती है, हमारा पानी कहाँ से कहाँ मूव करेगा। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे सुक्रोज सॉल्यूशन है, तो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज़्यादा है। तो वाटर कहाँ से कहाँ मूव करेगा, बीकर टू फनल, यहाँ तक की बात क्लियर है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, अगर मैं इस फनल में ऊपर से एक पिस्टन की हेल्प से प्रेशर लगाऊँ, इतना प्रेशर लगाऊँ के बाहर से पानी अंदर एंटर ना कर पाए, एक्सटर्नल प्रेशर जो मैं अप्लाई कर रही हूँ ताकि वाटर डिफ्यूज़ नहीं कर पाए फनल में, उसे ही हम ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर एक चीज़ पे डिपेंड करता है, वो है सॉल्यूट। बेटा जितना ज़्यादा सॉल्यूट होगा, पानी बावड़ा है सॉल्यूट के पीछे, पानी इज़ लाइक क्रेजी लवर फॉर सॉल्यूट। जितना ज़्यादा सॉल्यूट होगा उतना ज़्यादा पानी भागने की कोशिश करेगा अंदर। तो अगर सॉल्यूट ज़्यादा है तो पानी और अंदर आने की कोशिश करेगा, तो मुझे और प्रेशर लगाना पड़ेगा। इन शॉर्ट, मोर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, उतना ही मुझे प्रेशर ज़्यादा लगाना पड़ेगा सो दैट पानी अंदर एंटर ना करे। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं, जो हमारा, ये इंपॉर्टेंट है, जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर, जो ये आप लगा रहे हो ना पिस्टन से, इसे पॉजिटिव बोलते हैं, इट इज़ इक्वल टू ऑस्मोटिक पोटेंशियल। ऑस्मोटिक पोटेंशियल याद है भाई, सॉल्यूट पोटेंशियल, ये इसके इक्वल होता है। अंतर सिर्फ इतना है, ऑस्मोटिक प्रेशर पॉजिटिव है क्योंकि आप पिस्टन से लगा रहे हो टूवर्ड्स, ऑस्मोटिक पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा नेगेटिव रहती है। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो ऑप्शन बी कह रहा है इन दिस टेक्निक प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड, बिल्कुल सही बात है भाई। नॉर्मली ऑस्मोसिस आपकी यहाँ से यहाँ होगी, मैं क्या चाह रही हूँ, रिवर्स ऑस्मोसिस, तो मुझे यहाँ से प्रेशर इतना ज़्यादा लगाना पड़ेगा कि पानी कहाँ से कहाँ आ जाए, पानी अब यहाँ से यहाँ आ जाए। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर है। तो ये भी सही है, इट इज़ अ पैसिव प्रोसेस, बिल्कुल नहीं यार, मुझे एनर्जी लगानी पड़ी है, एंड इट इज़ एन एक्टिव प्रोसेस, तो ऑप्शन सी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट डायरेक्टली अफेक्ट डायरेक्टली नहीं कर रहा है ट्रांसपिरेशन को। तो पहला ऑप्शन है टेम्परेचर। भाई जब टेम्परेचर बढ़ता है ना, तो ट्रांसपिरेशन बढ़ता ही बढ़ता है। ऐसा क्यों, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ेगा ना, तो एयर की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। हाई टेम्परेचर पे एयर की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, जिसके कारण रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन बढ़ जाता है। लाइट,
लाइट इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा इंक्रीज होगी ट्रांसपिरेशन उतना ज़्यादा इंक्रीज होगा, गर्मी बढ़ जाएगी ना, ठीक। विंड स्पीड भी जितनी ज़्यादा बढ़ेगी ट्रांसपिरेशन उतना बढ़ेगा। रीज़न है, विंड जैसे स्पीड से बहेगी, विंड ह्यूमिड एयर को, हवा जो हवा में ह्यूमिडिटी है उसको उड़ा के ले जाएगी। तो स्टोमेटा के आसपास की ह्यूमिडिटी उड़ गई तो स्टोमेटा से ट्रांसपिरेशन बढ़ जाएगा। तो इन तीनों का डायरेक्ट रोल है, बट बेटा क्लोरोफिल कॉन्टेंट ऑफ लीव का डायरेक्ट रोल नहीं होता। तो ऑप्शन डी इज़ दी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द लोअर सरफेस ऑफ लीव विल हैव मोर नंबर ऑफ स्टोमेटा, किस में? तो भाई दो टाइप की लीव होती है, एक होती है डॉर्जी वेंट्रल, डॉर्जी का मतलब होता है दो, यानी कि अपर सरफेस और लोअर सरफेस एक दूसरे से अलग होते हैं, ठीक है। अपर सरफेस को हम क्या बोलते हैं? अडेक्शियल। लोअर को हम क्या बोलते हैं? अबेक्शियल। कैसे याद करोगे? डी बड़ा है बी छोटा है, तो वो ऊपर बड़ा नीचे छोटा। अब बेटा डॉर्जी वेंट्रल लीफ जो होती है ना, ये हमेशा डाइकॉट लीफ होती है, तो ऊपर इनमें नंबर ऑफ स्टोमेटा बहुत ही कम होता है, ना के बराबर, नीचे इनमें भर भर के स्टोमेटा होता है। ऐसा क्यों भैया? सन की लाइट गिरेगी, अगर ऊपर ये खूब सारा स्टोमेटा रखेंगे तो ट्रांसपिरेशन से पानी उड़ जाएगा, तो ऊपर की तरफ हटा दिया, नीचे की तरफ ट्रांसपिरेशन गैशियस एक्सचेंज के लिए स्टोमेटा छोड़ा। तो लोअर सरफेस में हमेशा स्टोमेटा ज़्यादा होते हैं डॉर्जी वेंट्रल लीफ में, डाइकॉट प्लांट्स में। ऑन द अदर हैंड आइसोबायलेटरल लीव्स क्या होती हैं? आइसोबायलेटरल का मतलब होता है दोनों सरफेस इक्वल, इनकी पत्तियाँ ज़्यादातर क्या होती हैं? पैरेलल वीनेशन। पैरेलल वीनेशन में बेटा अपर एंड लोअर, यानी कि अडेक्शियल एंड अबेक्शियल, दोनों सरफेसेस पे नंबर ऑफ स्टोमेटा क्या होता है? इक्वल। क्योंकि बेटा लाइट तो यहाँ पे भी बराबर गिरेगी और यहाँ पे भी बराबर। तो आइसोबायलेटरल लीफ हमेशा किसके अंदर होती है? मोनोकॉट प्लांट में, और इनमें नंबर ऑफ स्टोमेटा अडेक्शियल एंड अबेक्शियल में इक्वल होता है। तो हमारा आंसर आ गया ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फॉर्म ऑफ शुगर ट्रांसपोर्टेड थ्रू फ्लोएम, हमेशा याद रखना है फोटोसिंथेसिस से बनता क्या है? ग्लूकोज। स्टोर किस फॉर्म में होता है? स्टार्च। और ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में होता है? सुक्रोज। ये हमेशा हमें याद रखना है। तो ट्रांसपोर्ट फॉर्म कौन सी है? सुक्रोज। क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ गेस्टेशन टेक्स प्लेस। भाई पहली बात, गेस्टेशन होता क्या है? जब आपके प्लांट में रूट प्रेशर के कारण यहाँ पर पानी है बट बाहर ट्रांसपिरेशन बहुत कम है, तो पानी तो खूब सारा पहुँच गया पर ट्रांसपिरेशन कम होने के कारण पानी तो बाहर जा नहीं पा रहा। तो इस कंडीशन में बहुत से छोटे छोटे हर्ब्स जो होते हैं, या फिर इनफैक्ट ग्रास के जो ब्लेड्स होते हैं, उनके पास उनके लीफ में स्पेशल पोर्स होते हैं। इन स्पेशल पोर्स को हम बोलते हैं हाइडाथोड्स। तो क्या होगा? यहाँ पे रूट प्रेशर हाई था बट बाहर ट्रांसपिरेशन लो था, तो एक्सेस वाटर यहाँ पे बूंद बूंद करके बहुत छोटी 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 ड्रॉप्स की फॉर्म में निकलने लग जाता है, इसी को हम गेस्टेशन बोलते हैं। ऐसा कब हो रहा है? जब रूट प्रेशर तो क्या है? हाई, बट रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन क्या है? लो। किस में कॉमन देखा जाता है? हर्ब एंड ग्रास ब्लेड। स्पेशल पोर का नाम क्या है? हाइडाथोड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इम्बाइबिशन। अब इम्बाइबिशन बेसिकली क्या होता है? एक स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन है। सिंपली जो आपके सॉलिड चीज़ें होती हैं ना, वो पानी को एब्जॉर्ब, जैसे कि किशमिश को अपन पानी में डालते हैं, किशमिश एब्जॉर्ब कर लेती है ना पानी, फूल जाती है। चने, राजमा, ये सब पानी एब्जॉर्ब करते हैं, इसी को हम इम्बाइबिशन बोलते हैं। तो ये बेसिकली सीड या ड्राई वुड जो है उसमें पानी का एब्जॉर्प्शन, इससे क्या होता है? वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो ये क्या है एग्जांपल? देखो क्या बोल रहा है, अपटेक ऑफ वाटर बाय रूट हेयर, नहीं ये तो डिफ्यूज ऑस्मोसिस है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन स्टोमेटा, नहीं ये तो अलग कॉन्सेप्ट है। स्वेलिंग ऑफ सीड व्हेन पुट इन सॉइल, बिल्कुल सही बात है भाई, सॉइल में क्या है? पानी। पानी को ये सीड लेती जाती है और फूलती जाती है, और अल्टीमेटली इसी के स्वेलिंग के कारण, अल्टीमेटली इसके कारण जर्मिनेशन भी होता है। चलिए, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा इज़ अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट जो कि हम अलग के प्लस एच प्लस थ्योरी से पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। व्हेन अ प्लांट अंडरगोस सेनेसेंस द न्यूट्रिएंट मे बी, सेनेसेंस का मतलब बुढ़ापा आ जाता है। तो प्लांट के अंदर अगर बुढ़ापा आ जाएगा तो बेटा जो पुरानी पत्तियाँ हैं ना, उससे वो न्यूट्रिएंट
नई यंग लीफ की तरफ पहुंच जाते हैं, ट्रांसलोकेशन हो जाता है न्यूट्रिएंट का, ठीक है, कहाँ से, ओल्ड लीफ से न्यू लीव्स की तरह। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर इज इक्वल टू, ये तो रट लो, स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे कोई एक्सटर्नल फोकट प्रेशर नहीं लग रहा, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, तो प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल हमेशा क्या होता है, जीरो। चलिए नेक्स्ट आते हैं। माइकोराइजा इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंजाई एंड रूट सिस्टम। अब पहले इसके बारे में थोड़ा सा अपन जान लेते हैं। सो हमारा माइकोराइजा दो टाइप का होता है, एक होता है एक्टोमाइकोराइजा और एक होता है एंडोमाइकोराइजा। कहने का मतलब है अगर ये अपनी रूट है, ठीक है, इस रूट में फंगल हाइफे एसोसिएशन सिर्फ बाहर बाहर हैं, रूट के अंदर तक नहीं जा रहे, यानी कि वो एपिडर्मिस के ऊपर हैं, ये रूट की एपिडर्मिस है, इसके ऊपर ही ऊपर हैं, तो ये एक्टोमाइकोराइजा कहलाता है, ठीक है। इसका कॉमन एग्जाम्पल जो हम पढ़ते हैं ना, फंजाई एंड पाइनस का जो एसोसिएशन होता है वो एक्टोमाइकोराइजा होता है। एक्टोमाइकोराइजा का एग्जाम्पल हमें याद रखना है, फंजाई एंड पाइनस। इसमें भी अगर हम याद करना चाहें कौन सी फंजाई, तो हमें याद रखनी है बेसिडियो माइसिटीज जो होते हैं ना, वो एक्टोमाइकोराइजा एसोसिएशन बनाते हैं पाइनस के साथ। एंडो में नाम से पता चल रहा है यार, अंदर तक। तो अगर आपकी ये जो रूट है, रूट हेयर या रूट, ओवरऑल हाइफे अंदर तक पेनिट्रेट कर दें, कहाँ तक, ये हाइफे ये अंदर तक जा रहे हैं, एपिडर्मिस को पार करके कॉर्टिकल सेल के अंदर तक चले जाएं, तो अंदर तक चले गए ना, तो एंडोमाइकोराइजा। एग्जांपल क्या याद रखना है, ग्लोमस एंड ऑर्किड का जो एसोसिएशन होता है, ऑर्किड प्लांट है, ग्लोमस फंजाई है, ये एक्चुअली फंजाई का एक जीनस है, जाइगोमाइसिटीज का मेंबर है। तो एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ, एक्टो ऊपर ही ऊपर है, एग्जांपल क्या याद रखना है, बेसिडोमाइसिटीज एंड पाइनस। एंडो अंदर तक जा रहा है, कॉर्टिकल सेल तक जा रहा है, एग्जांपल क्या याद रखना है, ग्लोमस ऑर्किड। तो अभी ये बोल रहा है करता क्या है, पहला काम तो ये पानी का एब्जॉर्प्शन करता है, दूसरा काम ये मिनरल न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है, तो बोथ ऑप्शन ए एंड बी हमारे लिए यहाँ पे सही है। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं, बेस्ड ऑन द फिगर गिवन बिलो, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अगेन आपके पास ऑप्शन नॉट करेक्ट वाला आ गया, तो भाई पहला ऑप्शन बोल रहा है मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल विल टेक प्लेस फ्रॉम ए टू बी, सॉल्वेंट ए से बी मूव करेगा क्या, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट वो बोल रहे हैं मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट, भाई सॉल्यूट तो हमें मूव ही नहीं करवाना, इस पूरे प्रोसेस में सॉल्यूट कहीं मूव नहीं करना है। नेक्स्ट, डू वी नीड अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, बिल्कुल सही बात है। डायरेक्शन एंड रेट ऑफ ऑस्मोसिस डिपेंड ऑन बोथ प्रेशर ग्रेडियंट, भाई कितना प्रेशर ग्रेडियंट, बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, हद से ज़्यादा है यहाँ पे, कम तो फटाक से जाएगा, स्पीड काफ़ी ज़्यादा होगी। एंड कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, तो भाई दोनों चीज़ों पर डिपेंड करता है, तो आपका आंसर गलत यहाँ पर क्या है, बी। नेक्स्ट आते हैं अपन, मैचअप करते हैं फटाफट, मैचअप जल्दी से करते हैं भाई, लीव मैचअप करो ट्रांसपिरेशन के साथ, लीव से क्या होता है, ट्रांसपिरेशन होता है। सीड्स क्या करती हैं, इम्बाइबेशन, अभी हमने पढ़ा है कॉन्सेप्ट। रूट्स के अंदर क्या होता है, पानी एंड मिनरल का एब्जॉर्प्शन होता है। एस्पिरिन, एस्पिरिन इज एन एंटी ट्रांसपेरेंट, ये याद कर लो, एस्पिरिन एंटी ट्रांसपेरेंट होता है। और प्लाज्मोलाइज्ड सेल नेगेटिव ऑस्मोटिक पोटेंशियल, प्लाज्मोलाइसिस बेसिकली क्या है, जब आपने एक सेल को ऐसे मीडियम में डाल दिया जिसमें वाटर यानी कि सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम है, सेल के अंदर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो पानी सेल से बाहर की तरफ जा रहा है, ऐसा सोल्यूशन कौन सा सोल्यूशन होगा, हाइपरटोनिक सोल्यूशन टू दी सेल। बेटा एज अ रिजल्ट जो सेल है बाहर तो क्या है, सेल वॉल, सेल वॉल का तो कुछ नहीं बिगड़ा, बट ये जो पूरा का पूरा अंदर कंटेंट है ना, पूरा का पूरा श्रिंक हो जाता है, तो ऐसी सेल प्लाज्मोलाइज सेल कहलाती है, इसमें नेगेटिव ऑस्मोटिक पोटेंशियल होता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मार्क करते हैं, मैचअप करते हैं, भाई ये कॉन्सेप्ट है हमारा प्लास्टिड का, एक अंकल जी थे अर्नस्ट हेकल, इन्होंने ओवरऑल प्लास्टिड को तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया था। फर्स्ट जो था वो था क्रोमोप्लास्ट, क्रोमो वर्ड का मतलब ही होता है कलरफुल, तो जो आपके जितने भी कलर्ड पिगमेंट होते हैं ना अदर देन क्लोरोफिल, वो सारे क्रोमोप्लास्ट में आते हैं। नेक्स्ट इन्होंने दिया था क्लोरोप्लास्ट, क्लोरो वर्ड का मतलब ही होता है क्लोरोफिल, ग्रीन पिगमेंट, तो आपका जो क्लोरोफिल पिगमेंट है वो आता है क्लोरोप्लास्ट में। नेक्स्ट इन्होंने थर्ड कैटेगरी दी थी ल्यूकोप्लास्ट, जो कि कलरलेस होते हैं और इनका काम होता है स्टोरेज का। इसके फर्दर तीन सब कैटेगरी थी, पहला होता है अमाइलोप्लास्ट, जिसका काम होता है
कार्बोहाइड्रेट स्टोर करना, तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत आ गया, प्रोटीन नहीं कार्बोहाइड्रेट। ठीक, नेक्स्ट इन्होंने क्लासिफाई किया था इलियोप्लास्ट, जिसका काम होता है ऑयल एंड फैट स्टोर करना, और लास्ट हमारा होता है अल्यूरोप्लास्ट, जिसका काम क्या होता है प्रोटीन को स्टोर करना। तो ल्यूको के तीन पार्ट हैं, अमाइलो कार्बोहाइड्रेट, इलियो ऑयल, अल्यूरो प्रोटीन, तो ऑप्शन बी यहाँ पे गलत है। विद दिस ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है रेस्पिरेशन इन प्लांट। रेस्पिरेशन इन प्लांट का पहला क्वेश्चन है अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ रेस्पिरेशन इन एन एरोबिक ऑर्गेनिज्म। भाई इसको पढ़ने से पहले एक बार क्विकली अपन ETS यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या सिस्टम को रिवाइज कर लेते हैं। देखो भाई हमारे पास एक ऑर्गेनल होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसकी ये रही आउटर मेम्ब्रेन, इसको मैंने यहाँ पे जूम कर दिया। फिर इसकी इनर मेम्ब्रेन होती है जो कि क्रिस्टे के फॉर्म में फोल्डेड होती है, पर टू सिंप्लीफाई मैंने इसको अभी बिल्कुल सीधा सीधा ऐसा बना दिया इनर मेम्ब्रेन। इस इनर मेम्ब्रेन में ठुसे हुए होते हैं पांच कॉम्प्लेक्सेस, इन पांचों कॉम्प्लेक्सेस के कारण रन करती है ETS। अब आउटर और इनर के बीच में स्पेस होती है जिसे हम क्या बोलते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। अब आ जाओ गेम खेलते हैं मज़ेदार। गेम की शुरुआत होती है कॉम्प्लेक्स नंबर वन, जिसका नाम है NADH डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स। भाई ग्लूकोज की तोड़म फाड़ी करते वक्त दो चीज़ें बनी थी NADH2 एंड FADH2। इन दोनों के पास भर भर के इलेक्ट्रॉन होते हैं एंड भर भर के प्रोटॉन होते हैं। मुझे बेटा इनको तोड़ के इनसे यही इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन निकालने और इनको गरीब बना देना है। तो सबसे पहला कॉम्प्लेक्स किसको पकड़ता है NADH2, जिसको तुम NADH+H+ भी बोल सकते हो। इनको पीट पाट के इनसे क्या निकालता है इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन को तो ये एंटर करा देता है एक मस्त गेम में। गेम खेलना है कैचिंग पासिंग द बॉल। पासिंग द बॉल खेलने के लिए हमें क्या चाहिए, जने जो कैच करें। तो पहला बंदा जो कैच करता है वो है FMN, दूसरा बंदा है FES, तीसरा बंदा है यूबिक्विनॉन। तो आपने FMN को कैच कराया, FMN ने FES को कैच कराया, FES ने यूबिक्विनॉन को कैच कराया इलेक्ट्रॉन। अब बेटा जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पास होते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। मुझे इस एनर्जी को लगे हाथ यूटिलाइज करके क्या करना है, ये जो H+ निकले थे ना इन्हें मैट्रिक्स से फेंक देना है पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। ठीक, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स पे यानी कि सेकेंड कॉम्प्लेक्स पे। सेकेंड कॉम्प्लेक्स हमारा ये रहा। हमें याद है क्रैब साइकिल, क्रैब साइकिल की एक स्टेप थी जिसमें सक्सिनेट से बन रहा था फ्यूमरेट एंड ड्यूरिंग दैट रिएक्शन निकल रहा था FADH2। इस FADH2 के पास भी भर भर के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, तो भाई इसको भी पीटो और पीट के इससे भी क्या निकलेंगे इलेक्ट्रॉन। किसमें कुदा दो, गेम में। तो यही FADH2 से मैंने लूटपाट के FAD बना दिया है। ठीक है, FAD यहाँ पे FMN नहीं होता, FAD डायरेक्टली किसको दे रहा है FES, FES किसको दे रहा है यूबिक्विनॉन। तो 1 और 2 में डिफरेंस क्या है, वहाँ पे FMN है, यहाँ पे डायरेक्टली FES को दे रहे हैं। ठीक, वहाँ पे NAD किसको दे रहा था FMN, यहाँ पे FAD किसको दे रहा है FES। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पासिंग होने के बाद यूबिक्विनॉन को इलेक्ट्रॉन मिल गया। ये यूबिक्विनॉन थोड़ा ना लालची टाइप बनता है, ये क्या सोचता है यार मेरा नाम तो ऐसे होएगा ही नहीं अगर मैं इलेक्ट्रॉन ही लेता रहूँगा, क्यों ना मैं भारी नाम लगाने के लिए प्रोटॉन पास करूँ। तो ये भाई इधर से तो इलेक्ट्रॉन लेता है बट एट द सेम टाइम मैट्रिक्स से खींचता है प्रोटॉन और क्या बन जाता है यूबिक्विनॉन H2, यूबिक्विनॉन H2 जिसको हम यूबिक्विनाल भी बोलते हैं, UQH2। UQH2 के पास प्रोटॉन भी है इलेक्ट्रॉन भी है, भर भर के एनर्जी है भाई इलेक्ट्रॉन पासिंग गेम के थ्रू। तो ये सेम टाइम पे 4 प्रोटॉन उठा के फेंक देता है कहाँ पे, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। पर याद करो इसके पास तो क्या है इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स को ये घुसा देता है कॉम्प्लेक्स नंबर 3 जिसका नाम है साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। इसमें अगेन कैचिंग करने के लिए 3 बंदे चाहिए, तो एक बंदा यहाँ पे है साइटोक्रोम B, एक बंदा इधर है साइटोक्रोम C1 और बीच में है FES। इसको मैं कैसे याद करती हूँ, जैसे बहुत ज़्यादा पागल लोग होते हैं तो अपन गाली बोल लेते हैं ना BC, तो BC1 के बीच में कौन फंस गया FES, तो साइटोक्रोम B साइटोक्रोम C1 के बीच में कौन फंस गया FES। तो UQH2 और यहाँ से भी यूबिक्विनॉल इलेक्ट्रॉन किसको पकड़ाएगा साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम B किसको पकड़ाएगा FES, FES किसको देगा साइटोक्रोम C1। अब भाई मुझे यहाँ से डायरेक्टली पहुँचाना है इलेक्ट्रॉन
फोर कॉम्प्लेक्स पे, जिसका नाम क्या है, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स। तो इसके लिए मुझे एक मोबाइल बंदा, फुर्तीला मोबाइल बंदा चाहिए, और इस फुर्तीले मोबाइल बंदे का नाम है साइटोक्रोम सी। ये साइटोक्रोम सी यहाँ से भाग भाग के इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा कॉम्प्लेक्स फोर के पास। कॉम्प्लेक्स फोर ना बड़ा शाही है, शाही लोगों के दोनों गेटों पे कौन होते हैं, पहरेदार। तो भाई इधर भी एक पहरेदार, इधर भी एक पहरेदार, इधर पहरेदार है कॉपर ए, इधर पहरेदार है कॉपर बी, और बीच में है राजा जी। राजा जी का नाम है यहाँ पर, पहला राजा जी है साइटोक्रोम ए, दूसरे राजा जी हैं साइटोक्रोम ए थ्री। तो अब कुछ नहीं, इलेक्ट्रॉन आए हैं तो एज इट इज़ पास करा दो। लो जी इलेक्ट्रॉन मैंने पास करा दिए। अब मैं जब इलेक्ट्रॉन पास करा रही हूँ तो अल्टीमेटली वापस से इलेक्ट्रॉन मैट्रिक्स की तरफ ही आ गया। लो जी लौट के बुद्धू घर को आए, मैट्रिक्स से ही चले थे, मैट्रिक्स की तरफ ही आ गए। पर ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस पूरे गेम का बॉस बैठा होता है, और इस बॉस का नाम क्या है, ओ टू। बेटा ये ठग की तरह ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, एंड एट द सेम टाइम मैट्रिक्स से एच प्लस खींचता है, और खींच के क्या बना देता है, H2O। तो बेटा इस गेम के फ़ायदे क्या हुए? मैंने क्या किया, अगेन एनर्जी रिलीज हुई इलेक्ट्रॉन के कूदम कादी से, तो मैंने उस एनर्जी को अगेन यूटिलाइज करके यहाँ से फोर्थ कॉम्प्लेक्स से दो एच प्लस भेज दिए। तो अगर मैं गेम को समअप करूँ तो मैंने मैट्रिक्स से प्रोटॉन कम किए, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में प्रोटॉन बढ़ाए, और दूसरा मैंने O2 को टर्मिनल एक्सेप्टर की तरह यूज़ करा और पानी बनाया। तो भाई अब अंत में यहाँ पर हाई कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी H प्लस की, यहाँ पे लो कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी H प्लस की। अब कुछ नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर 5 पे आ जाओ। कॉम्प्लेक्स नंबर 5 के गेट खोलते ही H प्लस पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस से दोबारा किसकी तरफ जाएगा, मैट्रिक्स की तरफ। ये जो कॉम्प्लेक्स 5 है इसके दो पार्ट हैं। ये जो लंबी डंडी जैसा दिख रहा है उसका नाम है इसका नाम है एफ नॉट। जो कि तुम्हें एक जैसा दिख रहा है वो है ज़ीरो, जो तुम्हें ज़ीरो जैसा दिख रहा है वो है एफ वन। एफ नॉट क्या करता है, एक पैसेज, एक रास्ता दिखाता है, किसको, एच प्लस को, जो कि यहाँ से यहाँ जाने। तो बेटा ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करा रहा है, तो एच प्लस यहाँ से पास होगा एक बार में कितना, टू एच प्लस। जब ये यहाँ से पास होगा तो ये एफ वन में एंजाइमेटिक एक्टिविटी है, कौन सी एंजाइमेटिक एक्टिविटी, एटीपी सिंथेज एंजाइम है, जो कि ये हाई प्रोटॉन एनर्जी, भाई हाई से लो जाएगा तो एनर्जी रिलीज होगी, बम्बार्डिंग होगी, उस एनर्जी को यूटिलाइज करके लगे हाथ एडीपी को पकड़ेगा, और एक आईपी, एक एडीपी एक आईपी को पकड़ के क्या बना देगा, एटीपी। इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। क्वेश्चन यही पूछा है, अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, ऑब्वियस ये बात है ऑक्सीजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन ग्लाइकोलाइसिस से रिलेटेड है, तो आ जाओ फटाफट ग्लाइकोलाइसिस एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। बहुत ही आसान, आपको इमेजिन करना है ग्लूकोज एक बहुत ही अमीर बंदा है। ये अमीर बंदा शादी करना चाहता है, पर ये गंजा है, बाला टाइप है। तो मुझे इसकी शादी कराने के लिए मैंने इसको झांसा दिया कि मैं तुम्हें बहुत सुंदर बनाऊंगी एंड देन तुम्हारी शादी कराऊंगी। तो भाई जब अमीर बंदा पार्लर में आएगा तो तुम्हें पता है महंगे पार्लर हमेशा कॉफ़ी ऑफ़ी पिलाते हैं, बढ़िया कॉफ़ी ऑफ़ी पिलाते हैं। तो अगर वो तुम्हारे ऊपर 50 रुपये खर्च भी करके तुम्हारा 10,000 का बिल बना दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो सबसे पहले ग्लूकोज मेरे पार्लर में आएगा। ग्लूकोज जब पार्लर में आके बैठेगा तो सबसे पहले मैं उसको क्या दूंगी, एक पेप्सी। यहाँ पे एक पेप्सी का मतलब क्या है, एक एटीपी खर्च करूँगी मैं उस पे। तो एक एटीपी खर्च करके मैंने उसे क्या पिलाई, पेप्सी। जब वो बैठा था तो मैंने उसका सबसे पहले क्या किया, हेयर कट, मेकओवर किया। मेकओवर करने के लिए मैंने एक बंदे को लगाया जिसका नाम है हेक्सोकाइनेज, और वो मेकओवर करके उसको क्या बना देता है, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। अब मैं कहती हूँ यार आप अच्छे तो लग रहे हो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बनने के, पर मज़ा नहीं आ रहा। तो मज़ा लाने के लिए मैं उसको थोड़ा सा हेयर स्टाइल कन्वर्ट कर देती हूँ और उसको क्या बना देती हूँ, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट। ऐसा करने के लिए मैंने जेल लगाई आइसोमीरेज, ठीक। अब फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट बन गया। अब इस ये बहुत देर से 2-3 घंटे से बैठा है, तो मैंने एक और पेप्सी मंगा दी इसके लिए, यानी कि मैंने एक और एटीपी खर्च कर दिया इसके ऊपर। अब जब मैंने इस पे एटीपी खर्च किया, बेटा जहाँ जहाँ एटीपी खर्च होगा ना वहाँ पे मुझे फॉस्फेट ठूसना है, तो ये फॉर्म क्या बन गई, फ्रक्टोज 1,6-बिस्फॉस्फेट। तो अभी तक इसका हेयर कट हो गया, हेयर स्टाइल चेंज हो गया, और मैंने फाइनली इसके बाल कलर कर दिए। तो अब ये लगने लगा मस्त बंदा, फ्रक्टोज 1,6-बिस्फॉस्फेट।
अब इसकी शादी करवाई मैंने एक मस्त सी बंदी से जिसका नाम है एल्डोलेस। इन दोनों की शादी होती है तो इनके दो बच्चे होते हैं, एक का नाम होता है पागल, एक का नाम होता है ढाप। पागल का फुल फॉर्म क्या होता है, 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, और ढाप का फुल फॉर्म होता है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन 3-फॉस्फेट। अब भाई पागल तो पागल होता ही है, ढाप तो महापागल होता है, तो हम फिफ्थ स्टेप में ढाप को कन्वर्ट कर देते हैं पागल में, यानी कि ढाप को मार डालते हैं और पूरा का पूरा क्या बना देते हैं, पागल। तो पहले मेरे पास एक पागल एक ढाप था, अब मैंने ढाप को भी पागल बना दिया तो मेरे पास कितने पागल हो गए, दो। तो सिक्स्थ स्टेप से मेरे पास कितने पागल, दो पागल। अब मेरे को इस पागल को बिजनेसमैन बनाना है। बेटा किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले तुम्हें दान ज़रूर करना चाहिए, तो ये पागल सबसे पहले एक भिखारी जो कि NAD+ है उसको दान करता है। क्या दान करता है, NADH, यानी कि इसको क्या दान करता है, हाइड्रोजन। तो ये क्या बन जाता है, NADH+H+। कितने बनेंगे बेटा, दो बनेंगे, क्योंकि पागल कितने हैं यहाँ पे, दो। साथ के साथ शेयर मार्केट का इन्वेस्टमेंट समझते हो, ये बंदा दो शेयर खरीदता है किसके, फॉस्फोरिक एसिड के, ठीक है, ये खरीद ले दो शेयर फॉस्फोरिक एसिड के। सिक्स्थ स्टेप क्लियर। अब सिक्स्थ स्टेप का रिजल्ट ये होता है कि ये क्या बन जाता है, 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक। अब ये कहता है यार बहुत हो गया, ATP बनाने की बारी है, तो सेवन्थ स्टेप में ये एक साथ धुआंधार दो ATP बनाता है और खुद क्या बन जाता है, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। जब ये डायरेक्ट ATP बनाता है इसको हम बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। अब दो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन गया, कहता है यार बोर हो रहा हूँ, मेरे को थोड़ा सा हैंग आउट करना है, तो कुछ नहीं है, थोड़ा सा फॉर्म चेंज कर लेता है, 3 से क्या बन जाता है, 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 8th स्टेप तक समझ आ गया। अब 9th स्टेप में मुझे करना है कुछ मज़ेदार, तो कुछ नहीं, क्या निकाल दो, पानी। जब ज़्यादा मज़ेदार करना है तो तुम ज़्यादा मज़ेदार करने के लिए कोई भी एक्टिविटी करते हो तो तुम्हें पसीना आने लग जाता है, तो 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड ने ज़्यादा मज़े कर लिए तो उसका पसीना टपक गया और पानी निकलते वो क्या बन गया, 2-फॉस्फोइनॉल पाइरुविक एसिड। एंड लास्ट एंड गेम, 2-फॉस्फोइनॉल पाइरुविक एसिड PEP जाते जाते आपको 2 ATP देके जाता है और अल्टीमेटली क्या बन जाता है, 2-पाइरुविक एसिड। बेटा ऐसा करने में ओवरऑल मुझे 2 ATP का खर्चा लगा है स्टेप नंबर 1 एंड स्टेप नंबर 3 में, बट एट द सेम टाइम स्टेप नंबर 7 में मैंने 2 ATP बनाए, स्टेप नंबर 10 में मैंने 2 ATP बनाए, स्टेप नंबर 6 में मैंने 2 NADH2 बनाए, तो 2 ATP का नेट गेन हुआ, क्योंकि मैंने 2 बनाए थे तो 2 खर्चे भी किए थे, तो अल्टीमेटली 4 में से मेरे पास कितने बचे, 2। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। आपसे पूछ रहा है फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज, भाई फॉस्फोराइलेशन का मतलब है ग्लूकोज में आपने फॉस्फेट ठूसा, तो इसको कैटलाइज करने के लिए कौन आया था, हेक्सोकाइनेज, जिसके रिजल्ट में क्या बना था, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। अब आ जाओ, पाइरुविक एसिड जो है वो की प्रोडक्ट है, इसके कई मेटाबॉलिक फेट हो सकते हैं, पर अगर ये एरोबिक कंडीशन में घुसता है तो ये क्या बनाता है, अब इसको भी फटाफट सुनो, लिंक रिएक्शन होती है, तो इस लिंक रिएक्शन को हम ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्साइलेशन भी कहते हैं, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्साइलेशन। अब बेटा इसमें होता क्या है, पाइरुविक एसिड, अगर मैं बोल रही हूँ डीकार्बोक्साइलेशन, डीकार्बोक्साइलेशन का मतलब ये एक कार्बन हटाना, पाइरुविक एसिड में कितना कार्बन, 3, तो अब जो नया कंपोनेंट बनेगा उसमें कितने कार्बन होंगे, 2, 2 कार्बन हटाया तो 1 कार्बन किसकी फॉर्म में निकल जाता है, CO2। अब इसको कैटलाइज करने के लिए हमें जो एंजाइम चाहिए होता है उसका नाम होता है पाइरुविक डीहाइड्रोजिनेज। जब कभी भी पूरे रेस्पिरेशन में डीहाइड्रोजिनेज आए, इसका मतलब है डी का मतलब हटाना, हाइड्रोजिनेज मतलब हाइड्रोजन, तो बेटा ये पाइरुविक एसिड में से हाइड्रोजन हटाएगा, जब भी हाइड्रोजन हटाएगा तो इंटरनेशनल भिखारी NAD+ आ जाएगा, उसको एक्सेप्ट करने और क्या बन जाएगा, NADH2। यहाँ तक ये बात क्लियर, तो अभी तक मेरी यहाँ तक की बात क्लियर है, और बस मुझे एक कंपोनेंट चाहिए होगा यहाँ पर जिसको हम बोलते हैं कोएंजाइम ए, तो मेरे रिजल्ट में क्या बन जाएगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए। दोबारा पाइरुविक एसिड में 3 कार्बन, 1 कार्बन निकाल दिया, 2 कार्बन रह गए, कंपोनेंट बना, उसमें कोएंजाइम ए जोड़ा तो एसिटाइल कोएंजाइम ए बन गया, क्योंकि पूरी प्रोसेस में एंजाइम यूज रहा है पाइरुविक डिहाइड्रोजिनेज, तो वो एक हाइड्रोजन हटाएगा जिसको एक्सेप्ट करेगा इंटरनेशनल भिखारी NAD और बन जाएगा NADH2। तो ओवरऑल इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए प्लस CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ETS इज लोकेटेड, कहाँ लोकेटेड है भाई, इनर मेम्ब्रेन में लोकेटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो हमसे, एग्जिबिट
हाईएस्ट रेट ऑफ रेस्पिरेशन, ये तो बहुत बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। जर्मिनेटिंग सीड में हाईएस्ट रेट ऑफ रेस्पिरेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन सपोर्ट, क्या सपोर्ट करता है? भाई ऑब्वियसली बात है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या बनाता है? एटीपी बनाता है, इसलिए इसे पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। इसके पास डबल मेम्ब्रेन है, हाँ, बट इसलिए पावर हाउस ऑफ द सेल नहीं बोलते। क्रैब साइकिल के एंजाइम प्रेजेंट है माइटोकॉन्ड्रिया में, बिल्कुल। माइटोकॉन्ड्रिया फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट एंड एनिमल, बट ये तीनों रीजन के कारण आप इसे पावर हाउस ऑफ द सेल नहीं बोलते, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, भाई फोटोसिंथेसिस में होता है फोटो फॉस्फोराइलेशन, यहां पे होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। एंड अभी हमने पढ़ा था कि एंड में आप भर भर के एटीपी बनाते हो, और O2 इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन लेकर क्या बना देता है? वाटर। तो एंड प्रोडक्ट एटीपी एंड वाटर। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसको मैच कर रहे हैं तो फटाफट अपन मैच कर देते हैं। मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, भाई अभी हमने देखा इलेक्ट्रॉन भी ले रहा है और प्रोटॉन भी है, तो एक्चुअली में मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इज़ अ हाइड्रोजन एक्सेप्टर। अब नेक्स्ट आते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन था? तो याद करो साइटोक्रोम सी मोबाइल, ये रहा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। नेक्स्ट आते हैं पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेज, अभी अपन ने पढ़ा है लिंक रिएक्शन के अंदर कि यहाँ पे क्या बनता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए। और लास्ट है डी कार्बोक्साइलेशन, ये हम नहीं पढ़ पाए, क्रैब साइकिल हम नहीं पढ़ पाए, बट इसका आंसर है डी कार्बोक्साइलेशन, एल्फा कीटोग्लुटारिक एसिड। क्रैब साइकिल आई ट्राई, हम छोटा सा एक और वीडियो बनाएंगे। आई होप प्लांट फिजियोलॉजी का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में जितने टॉपिक थे हमने कवर कर लिए हैं, एंड आपको ये टॉपिक समझ भी आ गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।